हेलो सर, मेरा नाम है अमन गांधी। आप लोगों का मेरे चैनल है गांधी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फ़ोन ब्रांड के बारे में जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च होगा और इसकी हाइप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे दोस्तों अगले महीने लॉन्च हो रहा है 12th of July को नथिंग फोन वन। फोन कुछ इस तरीके का दिखता है आपको यहाँ पे, ब्लैक कलर वेरिएंट, साथ ही साथ एक व्हाइट कलर वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो रूमर्स है, जो लीक्स है इस फोन के फीचर्स के बारे में, वो तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अगर नहीं पता तो इस फ़ोन को आपको परचेज़ करने के लिए एक स्पेशल इनवाइट चाहिए रहता है, और वो इनवाइट दोस्तों अभी 1,70,000 लोग वेटिंग लिस्ट में उस इनवाइट के लिए। तो अगर आप वो वाला इनवाइट जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं उस इनवाइट का गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे के रूल्स दोस्तों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून करके आपको रहना है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट दोस्तों यहाँ पे जो इसके फीचर्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फोन है वो 6.55 इंच की एक ओलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका जो रिफ्रेश रेट होगा वो होगा 120 हर्ट्स। 6.55 इंच की जो यहाँ पे डिस्प्ले है ना, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बेजल्स है ये काफ़ी कम दिए गए हैं, जो चिन है वो भी काफ़ी छोटी है, और आपको यूनिफॉर्म बेजल्स देखने को मिलेंगे इस फ़ोन में। बाकी दोस्तों और भी फीचर्स की बात की जाए तो मेन यूनिक हाईलाइट है दोस्तों इस फ़ोन का बैक साइड। यहाँ पे आपको पहले मैं कैमरा के बारे में बताता हूँ, फिर डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा। तो आपको 50+16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, और जो सेकेंडरी वाइड एंगल कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। और हाँ दोस्तों, जो फ्रंट कैमरा है वो भी 16 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस फोन की जो बैक की डिज़ाइन है ना वो काफ़ी यूनिक है। आप कह सकते हैं यही है इस फोन की यूएसपी, मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट दोस्तों इस फोन का यही होगा कि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी नया है, काफ़ी यूनिक है, काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 900 LEDs देखने को मिलती है जो लाइट अप करती है। आपके ये रिंगटोन के साथ सिंक करेगी, आपके लिए नोटिफिकेशन लाइट के जैसे वर्क करेगी, चार्जिंग इंडिकेटर के जैसे वर्क करेगी, और भी बहुत सारे फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये इस फ़ोन का मुझे काफ़ी यूनिक फीचर लगा। इसको यहाँ पे नथिंग बुलाता है क्लिफ इंटरफेस, तो ये काफ़ी बढ़िया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी बताई जा रही है वो है 4500 mAh, और जो चार्जिंग स्पीड होगी वो होगी 45 वॉट की चार्जिंग। सैडली दोस्तों फ़ोन के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर का भी सेटअप देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो जो प्रोसेसर है दोस्तों वो होने वाला है एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर, जो है 778G+। और ये जो प्रोसेसर है, मुझे लगता है इस प्रोसेसर के कारण इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है ना वो अंडर 30,000 रखी जा सकती है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये फ़ोन अराउंड 30K के आएगा इंडिया में, और यहाँ पे ये लीक भी हुआ है कि इसी के आसपास ये होगा। तो डेफिनेटली फॉर दैट प्राइस ये काफ़ी यूनिक फ़ोन हो सकता है। बस अभी दोस्तों इसी चीज़ का वेट है कि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होगा वो कैसा होगा, जो कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन होगी वो कैसी होगी। सॉफ्टवेयर के मामले में दोस्तों यहाँ पे हमें एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पे नथिंग आपको काफ़ी फ्यूचर अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगा। आई थिंक 3 ईयर्स मिनिमम, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, ये कोई ऐसे लीक नहीं है, बट 3 ईयर्स मिनिमम उनको सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों कुछ बेसिक फीचर्स जो मैं यहाँ पे आपको कवर करा चुका। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 3 वेरिएंट होने वाले फ़ोन के, 8128, 8256 एंड 12256। तो ये 3 वेरिएंट हो सकते हैं इस फ़ोन के, और प्राइसिंग उसी हिसाब से डिपेंड करेगी। बाकी दोस्तों अब पढ़ते हैं गिव अवे की तरफ। तो इनवाइट दोस्तों काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं, और दोस्तों मैं जानता हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि उनको इनवाइट नहीं मिला, या उनकी जो वेटिंग लिस्ट है वो और भी बढ़ गई है। अभी ऑलमोस्ट 1,70,000 लोग वेटिंग लिस्ट में है। मैं खुद दोस्तों 24,000 वेटिंग लिस्ट में था, बट मैं यहाँ पे प्राइवेट कम्युनिटी मेंबर था नथिंग का, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा इनवाइट कोड है। अगर आप इस इनवाइट कोड को जीतना चाहते हैं तो बस आपको 3-4 चीज़ें करनी है, मैं बता देता हूँ। वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस फ़ोन का सबसे यूनिक फीचर क्या लगा, और आप ये फ़ोन को क्यों बाय करना चाहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप चैनल पे न्यू हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं एक रैंडम विनर पिक करूंगा कमेंट सेक्शन से, और उसको मैं ये यूनिक कोड दे दूंगा, जिससे ये फ्लिपकार्ट में जाके अपना प्री ऑर्डर पास को परचेज कर सकता है। और प्री ऑर्डर पास परचेज करने के बाद आप यहाँ पे 12 जुलाई को फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में जाके अपना जो प्री ऑर्डर है उसको अवेल कर सकते हैं। आपके जो 2,000 आपने पे किए थे वो डिडक्ट हो जाएंगे टोटल अमाउंट से, आपको बैलेंस अमाउंट फ्लिपकार्ट को पे कर देना है। प्री ऑर्डर करने के भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आपको जो नथिंग के एसेसरीज होंगे उसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आप प्री ऑर्डर करते हैं ना, तो आपको चार्जर भले इन द बॉक्स नहीं मिलेगा, बट हो सकता है कि नथिंग आपको प्री ऑर्डर बेनिफिट्स के लिए अलग से चार्जर फ्री में प्रोवाइड कर दे। तो ये एक बेनिफिट मुझे लगता है कि नथिंग प्रोवाइड कर सकता है, तो आप चाहे तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके पास अभी तक अगर नथिंग का इनवाइट नहीं आया तो आपको गिव अवे के रूल्स फॉलो करने हैं, क्या पता आप यहाँ पे नथिंग का इनवाइट को जीत जाए। गिव अवे के जो रिजल्ट्स है
वो मैं एक दिन में अनाउंस कर दूंगा, तो ज़्यादा आपको वेट नहीं कराऊंगा। तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।